हेलो गाइज, आज बात करने वाले हैं भाई बघेरा मूवी के बारे में। मूवी कब देखने को मिलने वाली, कौन एक्टर्स काम करने वाला है, स्टोरी क्या होने वाली है, सब बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो। तो बात करें आज मूवी को जो प्रशांत नील ने लिखा है और डायरेक्ट कर रहे इसको डॉक्टर सूरी। बता दो यार, डॉक्टर सूरी प्रशांत नील के ही दोस्त है और दोनों ने मिलकर हाफ हाफ जो कहानी लिखी है, यानी दोनों के आइडिया से कहानी मिलकर बनी है। मूवी यार बेस्ड होने वाली है कोयले की खदान के ऊपर ही। तो यार मूवी में जो KGF के टाइम चल रहा था वही टाइमलाइन इस मूवी में दिखाई जाएगी। तो भाई इसमें स्टोरी क्या होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें भी श्री मुरली देखने को मिलने वाले और श्रीलीला भाई हीरोइन देखने को मिलने वाली है। अभी भाई जो स्टार कास्ट है पूरी जो शो नहीं करी गई है, श्री मुरली इसमें देखने को मिलने वाले जो कि काफ़ी अच्छे बड़े एक एक्टर है। इन्होंने भाई काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी दी है साउथ इंडस्ट्री में और अपना भाई जो पैन इंडिया मूवी में अपना पहली बार डेब्यू कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं भाई मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। तो मूवी की स्टोरी भाई जो कोयले की खदान के ऊपर ही होने वाली है, जो कि भाई ये पुलिस इंस्पेक्टर होने वाले और कोयले की खदान के ऊपर कई माफियाओं की नज़र रहती है, उनको ये रोकने वाले हैं। मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी होने वाली है जो कि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर सूरी। बता दो यार प्रशांत नील की मूवी KGF या फिर सलार सब इसका कनेक्शन हो सकता है। मे बी शायद अगर मूवी भाई काफ़ी अच्छी हिट होती है तो फ्यूचर में भाई इसको KGF 3 से जोड़ा जाएगा, भाई सलार से भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि यार मूवी की टाइमलाइन जो KGF 2 के ज़माने की है। तो बात करें यार मूवी की शूटिंग जो स्टार्ट हो गई थी जो मई में ही 2022 में स्टार्ट हो गई थी, शूटिंग कम्प्लीट हो जाएगी लगभग आपको दिसंबर तक शूटिंग कम्प्लीट देखने को मिलने वाली है। बता दें इसका रिलीज डेट क्या था, भाई ये जनवरी में रिलीज होने वाली थी 17, अभी कोई हटाई नहीं है ना कोई पोस्टपोन हुई है। तो कितने एक्साइटेड हो मूवी के लिए कमेंट कर देना। और भाई मूवी का बजट मैं आपको बता देता हूँ, मूवी का बजट है 300-350 करोड़ के बीच में। तो कितने एक्साइटेड हो मूवी के लिए कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।